दरबार पे हाजरी, किरत, नातख्वानी और समा की महफिलें सज गईं। साथ ही साथ दो थे खसूसी सबेलों का अहतमाम किया गया और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद आता गंजबंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के बिल्कुल सामने और चुके आपको बताता चलूं कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 978वें उर्स का आज दूसरा रोज़ है। लाहौर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर से अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद यहां पर पहुंच रही है और लोग जोग दर जोग यहां पर हाजिरी देने के लिए दरबार के अंदर जा रहे हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो लाहौर पुलिस की तरफ से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। दरबार की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को खारदार तारें कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। मखसूस एंट्री पॉइंट रखे गए हैं जहां पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं और लोगों को कितारें बनाकर अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। किसी भी अकीदतमंद को दरबार पर आने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद ही दरबार तक आने दिया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस जो है यहाँ पर तकरीबन पुलिस के 10,000 के करीब एहलकार यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि थोड़ी ही देर पहले DIG ऑपरेशन लाहौर सहेल चौधरी साहब भी यहाँ पर चक्कर लगा कर गए हैं और उन्होंने बार बार मुलाजमीन से यह कहा है कि गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी हवाले से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दूध की सबीलें लगाई गई हैं जो रवायती तौर पर हर साल लगाई जाती हैं। महकमा फूड के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो दूध चेक कर रहे हैं और ढोल की थाप पर जो है भंगड़े डाले जा रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि हर तरफ जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई सख्त रखे गए हैं। हर तरफ जो है वो पुलिस के अहलकार जवान खड़े हैं। इसके अलावा रेस्क्यू के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह दूसरे तमाम अदारों के सिक्योरिटी के लोग जो है यहाँ पर बार बार ना सिर्फ आपका न्यूज स्टूडियो से फलवाक इतना ही, आप देखते रहिए 7 न्यूज़ 16।